Good morning students, all of you take out your SST book and lesson 4, page number 240. Lesson name is Delhi. I already taught you in the last class the location of Delhi and climate. And today I am going to teach you food and festivals and transport. All of you looked your book and read with me. Food and festival. People of Delhi enjoy all types of food. South Indian, Chinese, Tibetan, Italian, Mughlai and etc. तो क्या है फूड एंड फेस्टिवल. फूड एंड फेस्टिवल में क्या है दिल्ली में क्या फूड और क्या क्या फूड खाते हैं और क्या फेस्टिवल मनाते हैं. तो क्या है पीपल ऑफ दिल्ली एन्जॉय ऑल टाइप्स ऑफ फूड. तो दिल्ली का जो पीपल है ये क्या करते हैं ऑल टाइप का फूड खाते हैं. जितने भी टाइप्स का है सारे टाइप का ही खाते हैं. साउथ इंडियन, चाइनीज, टिबेटन, इटालियन एंड मुगलाई एक्सेट्रा. तो क्या क्या है साउथ इंडियन है, चाइनीज है, टिबेटन है, इटालियन है और मुगलाई है. तो ये जो फूड आइटम्स है ये सारे दिल्ली के लोग खाते हैं. पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव इन दिल्ली. तो क्या है दिल्ली में सारे धर्म के लोग ही रहते हैं. ऑल रिलीजन्स सारे धर्म के लोग. सो ऑल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेट बाय द पीपल ऑफ दिल्ली. तो क्या कहते हैं जो सारे ही फेस्टिवल क्या कहते हैं इतने सारे जो अलग अलग धर्म के होने से भी वो लोग क्या करता है सिर्फ अपना धर्म का ही नहीं जितने भी होता है सब ही मानते हैं. सिर्फ एक धर्म का नहीं जितने फेस्टिवल है सब मानते हैं. Being the capital city of India, national festivals are celebrated with great enthusiasm. तो क्या है जो capital city है ना national festival. National festival बोलने से क्या होता है जो राष्ट्रीय उत्सव है ना जैसे गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस ये सब जो होता है तो वो भी क्या कहते हैं बहुत ही उत्साह से दिल्ली में मानते हैं. उसके बाद आया transport. तो अभी आप लोग को दिल्ली के लोग कौन सा फूड खाते हैं कौन सा फेस्टिवल मानते हैं ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा. जैसे फूड के बारे में मैंने बोल दिया वो लोग जितने भी टाइप्स इधर बोला है जैसे साउथ इंडियन, चाइनीज, टिबेटन ये सब फूड खाते हैं और फेस्टिवल सारे मानते हैं. उसके अलावा और जो क्या होते हैं नेशनल फेस्टिवल होते हैं ये भी दिल्ली के लोग मानते हैं. तो अभी आया क्या ट्रांसपोर्ट. Transport. Delhi has the metro rail system which is progressing day by day. तो क्या है Delhi has a metro rail system which is progressing day by day. तो Delhi में क्या है metro system है. अभी इधर हम लोग का इधर नहीं है जो Delhi में है क्या है metro system. It has changed the face of transportation system in Delhi. तो ये जो मेट्रो सिस्टम है मेट्रो सिस्टम ने क्या कर दिया दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका फेस ही चेंज कर दिया है बोला है ना. तो मेट्रो क्या होता है आप लोग को पता है ट्रेन आप लोग सुना भी होगा और टीवी में देखा भी होगा मेट्रो ट्रेन बोलते हैं ना जो अंदर से जाते हैं ना ज़मीन के अंदर से जो सिस्टम होता है ट्रेन जाने का उसे मेट्रो सिस्टम बोलते हैं. आप लोग को टीवी मोबाइल में भी आप लोग मेट्रो सिस्टम चार्ज करके देख सकते हैं कैसा होता है. तो अभी मैं फ़िलहाल आप लोग को यही बता रही हूँ और आप लोग को और क्या है उसने क्या किया मेट्रो सिस्टम ने क्या किया दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका फेस ही चेंज कर दिया है. इट हैज़ मेड ट्रेवलिंग वेरी कन्वीनिएंट एंड कंफर्टेबल. तो क्या होता है इट हैज़ मेड ट्रेवलिंग वेरी कन्वीनिएंट एंड कंफर्टेबल. तो वो जो सिस्टम है मेट्रो का उसमें क्या है बहुत ही कंफर्टेबल है लोगों को मतलब कंफर्टेबल फील होता है मेट्रो में जाने से. दिल्ली हैज़ टू एयरपोर्ट्स. और दिल्ली में क्या है दो एयरपोर्ट्स है टू एयरपोर्ट्स पलम फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट एंड
पालम, पालम जो है ये क्या है, डोमेस्टिक फ्लाइट यानी घरेलू उड़ान, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में क्या, एयरपोर्ट जो क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है ना। घरेलू उड़ान बोले तो जो इंडिया के अंदर ही कम्युनिकेट करने के लिए होता है, और अंतर्राष्ट्रीय इंडिया के बाहर दूसरे देशों में भी जो कम्युनिकेट करते हैं वो होता है क्या, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, है ना। ये तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का नाम क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल फ्लाइट। और जो घरेलू उड़ान है ये क्या है, पालम फॉर पालम, है ना, इसका नाम है पालम। तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा अभी ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, सबसे पहले आ गया मेट्रो सिस्टम, है ना, मेट्रो सिस्टम है। और मेट्रो में क्या होता है, लोग जो कंफर्टेबल फील करते हैं ना, बहुत आरामदायक, कंफर्टेबल का मीनिंग होता है आरामदायक, है ना। तो क्या होता है, मेट्रो में वो लोग बहुत ही आराम महसूस करते हैं और मेट्रो में क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं। और दूसरा है जो ट्रांसपोर्ट क्या है, दो एयरपोर्ट, एक है पालम और दूसरा है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, है ना, जो इंटरनेशनल फ्लाइट है। उसके बाद आया फेमस बिल्डिंग एंड प्लेसेस। तो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बिल्डिंग और प्लेस के बारे में सिखाऊंगी। आज के लिए मैंने आप लोग को इतना सिखा दिया, और आप लोग अच्छा से पढ़ाई करना।